नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चीन गलवान को लेकर किस कदर राजनीति कर रहा है, ये हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं। लगातार चीन भारत को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब विंटर ओलंपिक होने से पहले भारत ने चीन का बहिष्कार करने की ठान ली है। आपको बता दें कि चीन जो है वो खेल के मैदान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा था। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी तनाव के बीच ऐसा कदम उठाया जिससे न केवल बॉर्डर पर बल्कि बीजिंग विंटर ओलंपिक में भी माहौल बदल गया, जिसकी वजह से भारत ने अब ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। और सरकार ने मतलब दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और इसकी जानकारी सरकार ने दे दी है। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि गलवान को लेकर चीन राजनीति लगातार कर रहा है। भारत के डिप्लोमेट चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का बहिष्कार करेंगे। वो दोनों इवेंट में शामिल नहीं होंगे, ना ही उनका कोई यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति भारत का वहाँ पर शामिल होगा। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी इस बारे में कहा था कि हमें चीन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और विंटर ओलंपिक के लेकर हमें कुछ सोचना चाहिए। उसके बाद अब सरकार की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। सरकार ने ये भी कहा कि ये अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना किया है। PLA के गलवान घाटी के कमांडर को शीतकालीन ओलंपिक मशाल देकर चीन द्वारा सम्मानित किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि भारत ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं होगा और विंटर ओलंपिक में केवल भारत खेलने जाएगा और किसी भी सेरेमनी का हिस्सा वो वहाँ पर नहीं होगा। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर है और सरकार ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। फिलहाल भारत ने जो कुछ भी फैसला लिया है विंटर ओलंपिक को लेकर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।